अकोला शहर के मध्य में स्थित गौतम नगर पुराने आरटीओ कार्यालय के पास रहने वाले निवासी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। अपनी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए परिसर के नागरिकों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया। अकोला शहर के मध्य में स्थित गौतम नगर पुराने आरटीओ ऑफिस के पास रहने वाले नागरिक कई सालों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संदर्भ में महानगरपालिका प्रशासन को कई बार निवेदन देने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकाला गया। इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के पास कई सालों से घरकुल नहीं है, सड़कें नहीं है, नालों की सफाई समय पर नहीं होती, सभी स्ट्रीट लाइट बंद पड़े हैं, तो वहीं नागरिकों के पीने के पानी के लिए बोरिंग भी बंद पड़ी हुई है। कुछ परिसर में नल कनेक्शन दिया गया है लेकिन उससे नियमित जलापूर्ति नहीं की जाती। नाले की नियमित सफाई नहीं होने से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। हर तरफ गंदगी का साम्राज्य फैल जाने से पूरे क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। नागरिकों ने कई बार अपनी समस्याओं को जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखा लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर आखिरकार इस परिसर के नागरिकों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। बारह बारह बजे लोग बता रहे पानी नहीं, नाले की व्यवस्था नहीं, हम कैसा भरा कितना एक भी पड़ रही एक भी तो वो भी है उनका।